सिटी तहलका फटाफट में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं आपके साथ प्रिया शांडिले। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की हेडलाइंस के साथ। ट्रैफिक पुलिस द्वारा शहर में काटे जा रहे चालान पर शहरी विधायक प्रमोद विज ने जताई नाराजगी, मिले एसपी से। शहरी विधायक का कहना, गली मोहल्ले के लोगों के भी छोटी सी वजह से किए जा रहे चालान जो कि नहीं है उचित। विकासनगर में स्कूल संचालक पर गंडासी व लोहे की राड से हमला कर दी जान से मारने की धमकी। सेक्टर थाना 29 पुलिस ने 17 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच की शुरू। देवी मूर्ति कॉलोनी में खादी आश्रम से मूर्ति, सीसीटीवी कैमरा और जरूरी कागजात लेकर चोर हुए फरार, पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच की शुरू। संभालगा के मुख्य बाजार में देसी घी में मिलावट की शिकायत के आधार पर जिला खाद्य सुरक्षा टीम ने मौके पर पहुंचकर की छापेमारी, लिए गए सैंपल। जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कहा, सैंपल रिपोर्ट आने के बाद ही की जाएगी आगामी कार्रवाई। पानीपत के गांव पत्थरगढ़ में देखने को मिला जंगली कुत्तों का आतंक। कुत्तों ने पशु बाड़े में 70 भेड़ बकरियों को बनाया अपना निशाना, जिसमें से 65 की मौके पर ही हुई मौत। पशुपालक बाबूराम का भेड़ बकरियों की मौत के बाद छीना रोजगार, प्रशासन से की मुआवजे की मांग। अब राज्य और जिले के प्राइवेट लैब्स कोरोना वायरस की जांच के लिए नहीं वसूल सकेंगे मनमर्जी से पैसे। सरकार ने एंटीजन टेस्ट के लिए 650 और एलाइजा टेस्ट के लिए 250 फीस की तय। हनी ट्रैप मामले में झारखंड से 30 लाख की रिकवरी के लिए कांग्रेस नेता को लिया 5 दिन के पुलिस रिमांड पर। गैंगरेप का आरोप लगाने वाली महिला के फोन की अंतिम लोकेशन मिली झारखंड में। जिले में कोरोना रोगियों की संख्या के साथ तेजी से बढ़ता मौत का आंकड़ा। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। संभालका के मुख्य बाजार में देसी घी में मिलावट की शिकायत के आधार पर जिला खाद्य सुरक्षा टीम ने मौके पर पहुंचकर छापेमारी कर भरे सैंपल। जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि उन्हें गुप्त सूचना मिली थी कि संभालका के मुख्य बाजार में नकली देसी घी बेचा जा रहा है, जिसकी सूचना पाकर उनकी टीम तुरंत संभालका पहुंची और दुकानदार के द्वारा बेचे जा रहे देसी घी के सैंपल लिए गए। हमारे पास कंप्लेंट आई हुई थी, देसी घी नकली बेचा जा रहा है संभाल के अंदर, तो ये होम ट्रेडिंग कंपनी से दो सैंपल लिए हैं, एक मधुसूदन का है, एक माधवन का है, और ये साथ में मनोज जिंदल जी है, एक सैंपल इनसे लिया है, ये मसूर की दाल का है। सैंपल टेस्टिंग के लिए भेजी जाएगी, आगे जो कार्रवाई होगी वहाँ से रिपोर्ट आने के बाद। तो ये कार्रवाई किसी शिकायत के आधार पर की गई है क्या सर? हाँ, ये शिकायत। दुकान पर दो तरह के देसी घी बेचे जा रहे हैं, जिसमें एक मधुसूदन और दूसरा माधवन शामिल है। वहीं उन्होंने बताया कि सैंपल रिपोर्ट आने के बाद ही आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने जानकारी देते हुए क्या कुछ बताया वह भी हम आपको पहले सुनाते हैं। तो अब क्या आगे की अग्रिम कार्रवाई क्या रहेगी सर? आगे इनको बता दिया भाई, कोई कम्प्लेन ना आए, और जो इस टाइप की चीजें आप बेच रहे हो, यदि आपको ये लगता है कि ये चीज डुप्लीकेट है, तो उसको दुकान पे ना रखा जाए, ना खरीदा जाए, ना बेचा जाए। इनकी दुकान पर लाइसेंस है? नहीं, लाइसेंस नहीं है, उसके बारे में इनको बोला है तो इनको समझा दिया है, लाइसेंस अभी है नहीं। लाइसेंस इनने कहा कि हम एक हफ्ता के अंदर अंदर अप्लाई करें। तो लाइसेंस किस चीज़ का होना चाहिए सर? लाइसेंस FSSAI का लाइसेंस होता है, जो हर दुकान को, जो भी फूड से रिलेटेड बंदा बिजनेस कर रहा है, उसके लिए सरकार ने जरूरी। उन्होंने बताया कि गुप्त शिकायत के आधार पर आज कार्रवाई की गई और सैंपल लिए गए, तो वही दुकानदारों को सख्त हिदायतें दी गई हैं कि अगर अगली बार इस तरह की कोई सूचना मिलती है तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी, इसलिए दुकानों पर किसी भी प्रकार की डुप्लीकेट वस्तुएं ना बेची जाएं। संभालका से सिटी तहलका के लिए रतनलाल की रिपोर्ट। ट्रैफिक पुलिस द्वारा शहर में काटे जा रहे चालान पर शहरी विधायक प्रमोद विज ने जताई नाराजगी, पहुंचे एसपी से मिलने। दरअसल कोरोना महामारी के आड़ में ट्रैफिक पुलिस द्वारा जिले के हर छोटे क्षेत्र, गली मोहल्ले तक भी चालान किए जा रहे हैं, जिसका विरोध करते हुए शहरी विधायक ने कहा कि ट्रैफिक कर्मियों द्वारा गली मोहल्ले के लोगों के भी किसी न किसी वजह से चालान काटे जा रहे हैं। कोई दूध लेने जा रहा है तो उसका भी चालान किया जा रहा है, जो बिल्कुल भी उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि वह हाईवे, जीटी रोड, बरसत रोड, असंध रोड और मुख्य सड़कों पर जाकर उनके चालान करें जो ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करते। उन्होंने यह भी कहा कि इतनी कीमत के वाहन नहीं होते जितने का चालान किया जाता है, चालान करने की भी कोई सीमा होती है, जिसके चलते आज वह एसपी से मिलने पहुंचे और चालान प्रक्रिया को सीमित क्षेत्र तक रखने की मांग रखी। शहर के अंदर गली मोहल्लों के अंदर चालान किए जा रहे हैं मोटरसाइकिल के, कार के, किसी न किसी वजह से। अरे भैया, आप हाईवे पर रुकिए, जीटी रोड पर रुकिए, बरसत रोड पर रुकिए, गोहाना रोड रुकिए, जाट रोड रुकिए, असंध रोड रुकिए, मेन सड़कों पे अगर कोई चालान पालन नहीं करता ट्रैफिक के नियमों का, तो उसके चालान करिए आप। लेकिन आप जगह जगह गली मोहल्ले के अंदर जाके खड़े हो गए हैं चालान करने के लिए। एक आदमी घर से दूध की थैली लेने के लिए निकलता है तो उसका चालान हो जाता है, ये मेरे को उचित नहीं लग रहा है। मैं इसके लिए
अपना एसपी महोदय से भी बात करने जा रहा हूँ और निश्चित तौर पे मैं इसकी प्रार्थना करूँगा कि इनको गली मोहल्लों में नहीं चलान करने जाना है, मेन सड़कों पे रहें। और चलान करने की भी एक लिमिट होती है, कोई कितने का चलान करना है, जितने का व्हीकल नहीं उससे कई गुना के चलान हो रहे हैं, तो इस पर डेफिनेटली आज कुछ कदम उठाओ। वहीं शहरी विधायक ने शहर के विकास कार्य व जल निकासी इत्यादि की समस्या को लेकर उच्च अधिकारियों के साथ मीटिंग की और इस विषय पर जानकारी देते हुए क्या बताया वह भी आप सुनिए। पानीपत के अंदर बरसातों में अगर पानी रुक जाता है शहर के अंदर तो ड्रेन नंबर 1 की स्लीटिंग की प्रॉब्लम है। वो कहते हैं जी ड्रेन नंबर 1 में जाने का रास्ता नहीं है, ग्रिल लगी हुई है, तो ग्रिल लगाई है निगम ने। ये एक ऐसा विषय है जिसमें निगम को और इरिगेशन डिपार्टमेंट को कोऑर्डिनेट किया। इसी तरह से वहाँ पानीपत में स्लॉटर हाउस की फिजिबिलिटी रिपोर्ट जा चुकी है और स्लॉटर हाउस के लिए जगह चाहिए तो ग्रामीण क्षेत्र में कई जगह चाहिए, वहाँ के अधिकारियों के साथ बुलाया हुआ था ताकि जगह को चिन्हित किया जाए। इसी तरह से अगर हमने वहाँ पर डेयरी सेक्टर नए बनाने हैं तो उसके लिए भी जगह चाहिए। निगम और ग्रामीण क्षेत्र से जगह डीसी साहब मिलकर ऑफिसर्स की ड्यूटी लगाई है कि जगह को चिन्हित करके, ये काम एक एक साल से निगम में पेंडिंग पड़े हुए हैं, ये तो उचित नहीं है। अरे आपको जगह चाहिए, फिजिबिलिटी रिपोर्ट आप भेज चुके हैं, तो इस कार्रवाई को करना शुरू करिए, हर काम रुकना रहेगा क्या? ब्यूरो रिपोर्ट सिटी तहलका। पानीपत में जंगली कुत्तों ने 65 भेड़ बकरियों को उतारा मौत के घाट। दरअसल मामला पानीपत के गांव पत्थरगढ़ का है जहां जंगली कुत्तों का आतंक देखने को मिला। कुत्तों ने पशु बाड़े में 70 भेड़ बकरियों को अपना निशाना बनाया जिसमें से 65 की मौत हो गई और 5 भेड़ बुरी तरह से घायल हैं। पत्थरगढ़ गांव में बाबूराम का परिवार और उसका भाई भेड़ बकरियां पालकर ही अपने परिवार का गुजारा करते हैं। उनकी परिवार की आय भेड़ बकरियों से ही होती है। बाबूराम ने बताया कि उनके पास 70 भेड़ बकरियां थी जिनमें से जंगली कुत्तों ने 65 को मार दिया है और 5 भेड़ बुरी तरह से घायल हैं। बाबूराम का परिवार भेड़ बकरियां पालकर ही अपना गुजारा करता है। 65 भेड़ बकरियों की मौत के बाद उनका रोजगार छिन गया है जिससे परिवार के सदस्यों का रो रोकर बुरा हाल है। कि भेड़ों वाले बाड़े में बढ़कर आवारा कुत्तों ने करीब 64 भेड़ चाप दी है जो मौके पर ही मृत्यु हो चुकी है। इसीलिए हमने सभी प्रशासन से भी इतला दी है कि भाई ये गरीब आदमी है, इसको कुछ ना कुछ सरकार की तरफ से इसकी मदद होनी चाहिए। ये पूरा गांव यहाँ पर खड़ा है, आप लोगों ने भी देखी है मौके पर, ये एक बहुत ही गरीब व्यक्ति है। इसकी सरकार की तरफ से हम भी रिक्वेस्ट करते हैं कि इसकी कुछ ना कुछ मदद होनी चाहिए। परिवार के मुताबिक करीब 6 लाख रुपए की कीमत की भेड़ बकरियां थी जिन्हें कुत्तों ने मौत के घाट उतार दिया। पशुपालक बाबूराम ने प्रशासन से मुआवजे की गुहार लगाई है। वही घटना की सूचना मिलते ही पटवारी मौके पर पहुंचे और मौके का निरीक्षण किया। पटवारी सुरेंद्र ने बताया कि उन्होंने मौके का निरीक्षण कर लिया है, रिपोर्ट उच्च अधिकारी को दे दी गई है, नियम के अनुसार मुआवजा दिलाने की पूरी कोशिश की जाएगी। उन्होंने सूचना दी, उसके आधार पर मैंने मौका देख लिया है। वाकई में जो बताए गए आदमी है गरीब आदमी है, मैंने रिपोर्ट उस अधिकारी को दे दी है और जैसे भी जो नियम होगा उसके अनुसार इनको मुआवजा दिलाने की पूरी कोशिश की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट सिटी तहलका। कांग्रेस जिला कोऑर्डिनेटर सुनील बिंजोल 5 दिन के पुलिस रिमांड पर। रेप केस के 38 लाख में समझौता कराकर 30 लाख रुपए लेने के आरोप में गिरफ्तार कांग्रेस के जिला संयोजक सुनील बिंजोल को कोर्ट ने 5 दिन के रिमांड पर पुलिस को सौंप दिया है। वहीं बिंजोल के परिजनों का आरोप है कि हिरासत में पुलिस ने सुनील को 3rd degree दी है जिस कारण वह चल भी नहीं पा रहा था। पुलिस ने सहारा देकर सुनील को कोर्ट में पेश किया। सुनील के वकील ने पुलिस की 12 गलतियां बताकर जमानत मांगी लेकिन जज ने जमानत खारिज कर दी। परिजन अब हाई कोर्ट जाएंगे। वहीं दूसरी ओर सुनील जिस किराएदार महिला के समझौता कराने में फंसे हैं, वह महिला सुनील के लिए बड़ी मुसीबत बन गई क्योंकि अब तक वह सामने नहीं आई है। पुलिस को महिला के मोबाइल फोन की अंतिम लोकेशन झारखंड में मिली है। वहीं मामले की जांच कर रहे संभालका के DSP वीरेंद्र सैनी ने कहा कि सुनील ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। सुनील ने इसराना के विधायक बलबीर वाल्मीकि सहित कांग्रेस के सभी बड़े नेताओं के सामने ही गुनाह कबूल किया जिसके बाद केस दर्ज किया गया। DSP ने कहा कि महिला का पता नहीं चल पाया, महिला की तलाश जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट सिटी तहलका।
कोरोना से मौत का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है। रविवार को कोरोना के 7वीं बार 100 से अधिक पॉजिटिव केस मिले, तो वहीं एक मौत की भी पुष्टि हुई। कोरोना के हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। संभाल का दुर्गा कॉलोनी निवासी 58 वर्षीय महिला के 20 अगस्त को रोहतक पीजीआई में वेंटिलेटर पर ही मौत हो गई थी। विभाग को पोर्टल के माध्यम से रविवार को इसकी जानकारी मिली। मरने के बाद महिला का कोरोना सैंपल लिया गया, जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव प्राप्त हुई। मृतक महिला को तेज बुखार व खांसी थी, जिसे 14 अगस्त को रोहतक पीजीआई रेफर किया गया था। मृतक महिला का अंतिम संस्कार भी रोहतक में ही किया गया। जिले में कुल 29 लोग कोरोना से जंग हार चुके हैं, तो वहीं 1097 लोगों का इलाज भी चल रहा है। वहीं रविवार को जिले में एक साथ 118 नए पॉजिटिव केस सामने आए हैं। जिस तरह से जिले में कोरोना रोगियों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है, जिला वासियों को सावधानी बरतने की आवश्यकता है। वहीं सिटी तहलका भी आपसे बार बार अपील करता है कि लगातार हर स्थान पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क और सैनिटाइजर का हर समय प्रयोग करें। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी तहलका। सरकार ने प्राइवेट लैब के लिए एंटीजन टेस्ट और अलाइजा टेस्ट की राशि की तय। आपको बता दें कि अब राज्य और जिले के प्राइवेट लैब्स कोरोना वायरस की जांच के लिए मनमर्जी से पैसे नहीं वसूल सकेंगे। सरकार ने इसके लिए राशि तय कर दी है। कोरोना की आरटीपीसीआर जांच के लिए जहां पहले ही 2400 रुपए फीस निर्धारित की हुई है, वही अब रैपिड एंटीजन टेस्ट के लिए 650 और अलाइजा टेस्ट के लिए 250 रुपए की फीस तय की गई है। जिले में अब रोजाना 15 से 20 केस निजी लैब से पॉजिटिव मिल रहे हैं। लोग अपनी सुविधाओं के अनुसार निजी लैब्स या अस्पतालों में जांच करा रहे हैं, क्योंकि कुछ लोग सिविल अस्पताल में सैंपल देने के लिए भीड़ में खड़ा होना पसंद नहीं करते हैं। ऐसे में उनके लिए निजी लैब्स का विकल्प सबसे अच्छा है। हालांकि जिले में पिछले 10 दिनों में सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों और मोबाइल टीम द्वारा सैंपल लेने में बढ़ोतरी हुई है। रोजाना 500 से ज्यादा सैंपल लिए जा रहे हैं। एंटीजन किट से सैंपल लेने में बहुत बढ़ोतरी हुई है। एंटीजन किट से इस महीने करीब 5500 टेस्ट किए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी तहलका। अब तक के बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर मिलेंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए सिटी तहलका सच के साथ। नमस्कार।